पूरे देश भर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी नजर आ रहा है। बदलते मौसम के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार बहुत आम समस्या हो गई है और इस तरह की समस्या जब भी किसी को होती है तो आम जनों के बीच कुछ दवाएं ऐसी है जो बहुत प्रचलित है और उन्ही दवाओं का सेवन कर हम सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत भी पाते हैं। जैसा कि पैरासिटामोल आप जानते होंगे, इसके अलावा डोरो की बात कर लें या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो फिक्स डोजेस कॉम्पोजिशन की है, इन्हें कॉकटेल दवा भी कहा जाता है। लेकिन इन दवाओं की जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल इन दवाओं का सेवन अब आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने, 156 ऐसी दवाएं हैं जिस पर प्रतिबंध केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगा दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक गजट जारी कर कुछ ऐसी दवाओं का चयन किया गया है जिस पर रोक लगा दी गई है। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिन्हें फिक्स डोजेस कॉम्पोजिशन कहा जाता है। इन्हें कॉकटेल दवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो अलग अलग फार्मा क्यूटिकल्स को मिलाकर इन दवाओं का निर्माण किया जाता है और इसका गलत असर लोगों की सेहत पर भविष्य में देखने को मिल रहा है और ऐसे में इन दवाओं के सेवन पर रोक लगा दी गई है। कहा यह जा रहा है कि मार्केट में इन्हीं कॉम्पोजिशन की अलग अलग तरह की दवाएं उपलब्ध हैं, इनका वैकल्पिक जो सेवन है वो आप कर सकते हैं। दूसरी दवाओं का वो बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इन दवाओं पर रोक लगा दी गई है। अब इसको लेकर एक गजट तो जारी किया ही गया है, साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इन दवाओं को अब मार्केट में भी रोका जाएगा, जल्द से जल्द इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही हम आपको और भी जानकारी देंगे कि और किन किन दवाओं पर रोक लगाई गई है। इस लिस्ट में मेफेनमिक एसिड प्लस पैरासिटामोल इंजेक्शन, सिट्रिजिन एचसीएल, पैरासिटामोल फिनाइलफ्राइन एचसीएल, लेवरोसिट्रिजिन, फेनिलफ्राइन एचसीएल, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल प्लस क्लोरोफिरिनामाइन मैलेट, फिनाइल प्रोपेनिलामाइन और कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम, पैरासिटामोल 300 मिलीग्राम भी शामिल है। केंद्र ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन और कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रामाडोल और ओपीओइड आधारित पेन किलर दवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवा के इस्तेमाल से इंसानों को खतरा हो सकता है, जबकि उक्त दवा के सुरक्षित विकल्प भी मार्केट में उपलब्ध है। इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच केंद्र द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी, जिसने इन FDC को तर्कहीन माना था और इन दवाओं पर रोक लगा दी थी।